नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, आज इस वीडियो के अंदर मैं दो टॉपिक पे बात करूंगा। दो टॉपिक, पहला टॉपिक यूपी बोर्ड रिजल्ट कब आएगा, दूसरा टॉपिक आप पास कैसे होंगे। अगर आप फेल होने की स्थिति में हैं तो अभी भी आपके पास मौका बचा हुआ है कि आप पास कैसे होंगे। बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको 100% सच पता चल सके और आप सही चीज़ की जानकारी रख सकें। तो शुरुआत करने से पहले एक बात आपसे मैं बताना चाहूँगा कि आप चैनल पे पहली बार अगर आए हो, सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाली बटन दबा लो, आपसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, वो भी ज़रूरत की वीडियो। अब हम बात कर लेते हैं कि आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 का किस दिन आएगा, कब आएगा। दुनिया बता रही है किस दिन आएगा, ये कोई नहीं बता रहा। देखो, जून के पहले सप्ताह से लेकर के दूसरे सप्ताह के बीच में यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट आ जाएगा। इतनी बात तो आप पूरा इंटरनेट पर, यूट्यूब पर सुन रहे हो, देख रहे हो, लेकिन फिक्स डेट बताने का किसी में हिम्मत नहीं है। ना तुझ में हिम्मत है, ना मुझ में हिम्मत है। अगर कोई बता भी देगा तो क्या फांसी हो जाएगी। तो इस तरीके की सोच रख करके बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे फेसबुक पेज वाले ये बातें लगातार बता रहे हैं कि इस दिन आ सकता है यूपी बोर्ड का रिजल्ट, ये थंबनेल में लिख के डाल देते हैं। तो कुल मिला जुला करके रिजल्ट चाहे कल आवे चाहे परसों आवे, आप पास होंगे कि फेल होंगे, दोनों में से एक ही होंगे। जो होना होगा वो डिसाइड हो चुका होगा। अगर ये जान जाएंगे कि परसों रिजल्ट आएगा तो क्या आप दो दिन में कुछ जुगाड़ लगा देंगे क्या, बोलिए। अगर जान जाएंगे आप कि 5 जून को रिजल्ट आएगा तो क्या आप 5 जून से पहले अपने रिजल्ट का मॉडल बदलवा सकते हैं, परीक्षा परिणाम को चेंज करवा सकते हैं, कहीं जुगाड़ लग जाएगा क्या, नहीं ना। तो क्यों इतने ज़्यादा आप उतावले हो जाते हैं। कोई वीडियो डाल दिया यूपी बोर्ड रिजल्ट इस दिन घोषित, अब उसको क्लिक करके पूरा देख रहे हो, पूरा परेशान आप हो रहे हो। तो परेशान नहीं होना है, एकदम इत्मीनान से मेरी बात ध्यान से सुनो कि रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनो। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 10 जून के पहले आ जाएगा। अब ये मत कहना गुरुजी आप भी घुमा रहे हो, मैं घुमा नहीं रहा हूँ। मैं कैसे आपसे बता सकता हूँ कि फला तारीख को आएगा, जब मुझे इसकी पूरी जानकारी हो जाएगी तभी मैं बता पाऊँगा, तभी आपको पूरा गारंटी के साथ आश्वस्त कर पाऊँगा। हाँ, पहले सप्ताह में आने की उम्मीद थी लेकिन थोड़ा विलम्ब होगा, तो दूसरा सप्ताह जैसे शुरू होगा 10 जून के नियर अबाउट आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इस वीडियो का दूसरा टॉपिक मैं शुरू करता हूँ। दूसरा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर यूपी बोर्ड की जानकारी आपको चाहिए तो चैनल पर लगातार बने रहिए, ठीक है ना। फालतू की वीडियो मत देखिए, उनका तो बिल्कुल कतई मत देखिए, जो लोग अपना फेस वीडियो के अंदर नहीं दिखाते हैं, केवल इधर उधर की वीडियो, किसी न्यूज़ चैनल का वीडियो कॉपी करेंगे, फोटो इधर से स्क्रीन पे आएगा, उधर से जाएगा, नीचे से जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे रनिंग पट्टी चलती रहेगी, ब्रेकिंग न्यूज़ दिखेगा, ऊपर दिखेगा, दाएं बाएं, और इतना फास्ट बोलेंगे मालूम हो रहा है कि न्यूज़ एंकर सबसे बढ़िया वही हैं, हाँ। और कुल मिला जुला करके उनकी वीडियो 2 मिनट के अंदर राम नाम सत हो जाती है। तो जो लोग जेन्युइन टीचर हैं, जेन्युइन चैनल है, जो सही सटीक जानकारी देते हैं, वे लोग फेस वीडियो बनाते हैं, सामने से बताते हैं, कोई व्हाइट बोर्ड पे बताएगा समझा के, कोई ग्रीन बोर्ड पे बताएगा। तो ऐसे लोगों को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, चाहे मैं रहूं चाहे कोई और रहे। अब बात करते हैं कि आप फेल होने की स्थिति में अगर महसूस करते हैं तो पास कैसे होंगे। देखिए, कोई भी छात्र अगर फेल होने की स्थिति में है तो वह पास होने के लिए किसी भी तरह का जुगाड़ ना लगाए। आजकल टेलीफोन आ रहे हैं, फेक फोन कॉल आ रहा है बच्चों के मोबाइल नंबर पर, उससे बच्चे से कहा जा रहा कि मैं बोर्ड की कॉपी चेक करता हूं और मैं बोर्ड में काम करता हूं, सचिवालय में हूं, आप इतने नंबर से फेल हो रहे हैं, अगर आप पास होना चाहते हैं तो 3000 रुपये आप इस अकाउंट नंबर में पेड कीजिए, मैं आपको इतना नंबर ज़्यादा बढ़वा दूंगा या बढ़ा दूंगा, आपको फेल नहीं होने दूंगा, आप पास हो जाएंगे, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। किसी किसी के पास जो पास होने की स्थिति में है उसके पास फ़ोन करके कह रहे हैं कि मैं आपको टॉप करवा सकता हूं, मैं आपको मेरी लिस्ट में ला सकता हूं, जिला टॉप करवा सकता हूं, आपका हम 85% से 90% के बीच में आपका नंबर दिलवा देंगे, आप 6000 जमा कर दो, 5000 जमा कर दो। जो कुछ लोगों को कहा जा रहा है आप इस विषय में फेल हैं, पास होना चाहते हैं तो शाम में इतने बजे फ़ोन करिए, हम जुगाड़ लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह का फ़ोन कॉल पहले क्या होता था, इस साल और हर साल
केवल बिहार में जाता था इस तरह का फोन, लेकिन अब ये धंधा यूपी में भी चालू हो गया है। अब ये धंधा यूपी में भी लोगों के बीच में चल रहा है। 12वीं के बच्चे, 10वीं के बच्चे जो असमंजस की स्थिति में हैं, जो घबराए हुए हैं, जिनको अपने फेल होने पर बहुत दुख होने का डर है, उनके पास अगर ऐसा फ़ोन जा रहा तो वे इसके शिकार हो जा रहे हैं, ऐसी जालसाजी के वे शिकार हो जा रहे हैं। 2-4 हज़ार रुपये जमा कर दे रहे हैं बिना किसी को बताए। जो पैसा ले रहा है ना, वह इतनी शर्तें दिलवा दे रहा है कि किसी से बताना नहीं है, बताओगे तो 6 विषय में 5 विषय में फेल हो जाओगे, जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, करियर बर्बाद हो जाएगा, तमाम तरह की बातें जा रही हैं। कल आपके पास फ़ोन आएगा, परसों उसके पास आएगा। तो ऐसे बहुत सारे लाखों छात्र परेशान हैं। तो लाखों छात्रों की भलाई के लिए ये वीडियो है। आप देख चुके हैं वीडियो, धन्यवाद आपको। लेकिन आप इस वीडियो को देख करके खामोश मत बैठिए, शेयर करिए अपने दोस्त के पास, रिश्तेदार के पास, पड़ोसी के पास, मित्र के पास, सबके पास शेयर करिए, स्टेटस लगाइए, दूसरे छात्र को ठगा होने से बचाइए, दूसरे छात्र के साथ ठगी ना होने पाए, इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। आप अपना सम्मान करते हैं, अपने दोस्त का सम्मान करते हैं, आपको यूपी बोर्ड 12वीं 10वीं एग्जाम की कसम कि आप इस वीडियो को शेयर करके बोलिए अपने दोस्तों से कि सुनो सच्चाई क्या है, देखो क्या हो रहा है। बोर्ड में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी, किसी का नंबर घटवा बढ़वा नहीं सकते हैं। जब कापी जाँच हो गई, कोई MR शीट पर आपका मार्क चढ़ गया, उसके बाद कहीं से कोई नंबर न घटेगा न बढ़ेगा। ये केवल फालतू की बात है कि फला लड़का बढ़वा लिया, इसका जुगाड़ ऐसा था वैसा था, कोई प्रमाण नहीं दिखाता, कि केवल बातें करते हैं लोग, केवल बातें करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।